जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे युवा साथियों से एक बात कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। मेरे वो नौजवान साथी जो पुरानी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, या मेरे जवान साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, या भूतपूर्व सैनिक जिन्हें लगता है कि हाँ, रविंद्र फौजी जो कर रहा है बिल्कुल 100% सही है और हमें उनका साथ देना चाहिए, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भैया आ जाओ हमारे साथ। ये वो घड़ी है कि आज अगर आप नहीं जागे तो भविष्य में पछताओगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं दो या चार टॉपिक पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला तो मैं हमारे युवाओं से कहना चाहता हूँ कि भैया आप लोगों से मैं एक तो नाराज भी हूँ। उसका कारण यह है कि ये जो चैनल बना हुआ है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, ये लोगों की समस्याओं के लिए ही है, और खासकर जवान, नौजवान, किसान, इन लोगों की समस्या ही हम इस चैनल पर उठाते हैं। ठीक है, तो जब मैं नौजवानों की, पुरानी भर्तियों की, या अग्निपथ, इन चीज़ों की बात करते हैं तो आप लोग वीडियो को देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन जब किसी जवान की, कल जैसे मैंने एक जवान की समस्या डाली, उस वीडियो को कितने लोगों ने शेयर किया, अपने दिल पर हाथ रखना। मैंने पहले ही कहा था कि ये चैनल मुझे नहीं चाहिए कि आप सब्सक्राइबर जुड़ो और जुड़कर सो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गलती से सेल्फिश आदमी जुड़ गया हो, ठीक है, तो वो हट जाओ, किसी को भी रविंद्र फौजी इन्वाइट नहीं करता कि आप जुड़ो। ठीक है, मुझसे जुड़ना है तो दोस्त शेर बनकर रहना है कि हाँ, मैं अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी लड़ूंगा। तो मैं एक निवेदन करूंगा खास करके कि जब भी ऐसे किसी जवान की समस्या आती है तो उसको देखें और शेयर करें। जैसे कल मैंने डाला था कि भी एक जवान को, जिसको एसएम ने और डिप्टी ने जानबूझकर सजा देकर और उसको क्वार्टर गार्ड में डाला, उसको प्रताड़ित किया, तो ऐसे जवान हमारे से उम्मीद रखते हैं कि हम उनकी समस्या का हल करें, लेकिन वो समस्या जब ही हल होंगी जब आप लोग भी उन चीज़ों को देखें और लोगों तक शेयर करें। पहली बात। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को कहा था आज से 15 दिन पहले, 15 क्या, 15 से ज़्यादा दिन हो गए, 11 तारीख को, 11 जनवरी को वीडियो डाला था कि हमें कुछ करना चाहिए। उसके बाद 13 को भी डाला था, लेकिन कुछ एक लोगों की वजह से उस मुहिम को ठंडा करा दिया गया। मैंने कहा था कि कर लो, क्योंकि जब भी हम इस काम के लिए शुरुआत करेंगे तो हमें करने के लिए भी समय चाहिए, लेकिन हम ऑलरेडी वो 15 दिन लेट हो चुके हैं, और आज हम फिर इस काम को करना शुरू करेंगे तो हमें और 15 दिन लगेगा करते करते। ठीक है, क्योंकि मैं नाटकबाजी तो करता नहीं हूँ कि मैं ये करूँगा और फिर ना करूँ, क्योंकि रविंद्र फौजी जब कोई कदम उठा देता है तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता। ठीक है, इसलिए उस टाइम मैंने कहा था कि अभी हमें करने की बारी है हमारी, और हमें करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे समय फिसल जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, अभी भी आपको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि पुरानी भर्तियों का जो रिजल्ट अभी तक आना चाहिए दिल्ली कोर्ट से, वो नहीं आया। अगर दिल्ली कोर्ट के माननीय जज साहब को लगता है कि मामला पेचीदा है और समय लग रहा है, तो श्रीमान आप अग्निपथ का निर्णय देने में समय लगा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप आदेश पारित कर सकते हो कि हाँ भाई, आर्मी एग्जाम और ज्वाइनिंग ये सरकार को करानी चाहिए, और हम इनका आर्डर पारित करते हैं। और जो नई एकाएक लगातार सरकार ड्रामे कर रही है, वैसे तो भर्ती नहीं कर रही, आपने देख लिया होगा अग्निपथ का जो रिजल्ट आ रहा है, ये उनको भी पता है। मैं फिर भी माननीय न्यायाधीश से कहूंगा कि आप इस चीज का आदेश, एक ऑर्डर जारी कर सकते हो, जजमेंट अगर आप लेट कर रहे हो तो हम उनसे तो विनती कर ही रहे हैं। मैंने शुरू में भी कहा था कि हमें सबसे पहले इन्हीं दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच लगाना चाहिए, अगर वो ना माने तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर अप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए कि आपने हमें दिल्ली हाई कोर्ट भेजा था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट हमें धीरे 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 डिले कर रहा है। मेरा दूसरा फेस ये था, और तीसरा फेस मेरा ये था कि अगर वो भी ना माने तो हमें फिर एक आंदोलन करना चाहिए, बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि अब बाकी लोगों की भी हवा निकल गई होगी जो अग्नि बनने, वीर बनने जा रहे थे। देश की जनता को भी पता चल गया होगा कि ये सरासर सिर्फ जवानों की कटौती का माहौल था,
जवानों की पेंशन के नाम पर धीरे धीरे फौज में भर्तियां कम करनी थी। अग्निवीर का ड्रामा तो इन्होंने बहुत तेजी से दिखाया, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है अब बहुत से लोगों की आंखें खुल गई होंगी। अधिकारी 60 साल सर्विस, फिर इनको पेंशन भी, और फिर इन्हें एमपी एमएलए का चुनाव भी चाहिए। नेताओं के साथ साथ पेंशन भी चाहिए, इनके बच्चों को भी यही चाहिए। लेकिन इस देश का जवान, किसान, मजदूर और उनके बच्चे, जिनके पास एक रोजगार और देश सेवा का मौका था, खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। तो भैया अभी जिनको जगना है कि हाँ सर लड़ाई लड़ो, तो रविंद्र फौजी मैंने फिर कह दिया कि जब कदम आगे बढ़ाते हैं तो पीछे नहीं हटता, और जब लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए सबसे जरूरत चीज़ें होती हैं तन मन धन से, आप लोग भी साथ दो। ठीक है, अगर हम भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं, सुभाष चंद्र बोस बनने के लिए तैयार हैं, तो हमें आपका सहयोग और साथ चाहिए। फिर कहता हूँ कि लड़ाई लड़ने के लिए तन मन धन की जरूरत होती है। जो लोग दिल्ली आ सकते हैं वो मेरे, मैं नंबर दे रहा हूँ, वो बताएं कि हाँ सर हम जब भी बुलाओगे दिल्ली आएंगे। जो दिल्ली नहीं आ सकते, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरा भाई आएगा। जो आ भी नहीं सकते, शेयर भी नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि हाँ इस चीज़ में तन मन और धन की जरूरत है, तो धन से सहयोग करें। आज फिर रविंद्र फौजी वीडियो में अपना नंबर दे रहा है, मुझे पता है कि यहाँ नंबर देते ही भौचाल फिर शुरू होगा, लेकिन मैं ना उस समय भौचाल से डरा था और ना आज डरता हूँ। ठीक है, हाँ लेकिन जिनके लिए लड़ना चाहता हूँ, अगर वो लोग भी हाँ झूठे जयकारे सर हम आपके साथ हैं, हम आ जाएंगे, फिर वो ना आ सकते ना सहयोग कर सकते, तो फिर रविंद्र फौजी टाटा बिरला नहीं है। मैंने पहले कहा था जो मैं बीड़ा उठाता हूँ कर लेता हूँ, ठीक है जितना मेरे से होता है मैं करूँगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तो टाटा बिरला रविंद्र फौजी भी नहीं है, ना मैं अंडाड़ी अंबानी हूँ कि सारा कुछ अपनी जेब से लगाता हूँ। जिनको लगता है कि लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए और भयंकर लड़ाई लड़ी जाए, तो भैया ये नंबर है 8290 35 45 13, ये फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। फिर कहता हूँ जिनको सहयोग करना है सहयोग करो, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं कि छोट मोट लड़ाई नहीं लड़ सकते, इस बार आर पार की, और बड़ी लड़ाई लड़नी है तो बड़ी लड़ाई के लिए ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जो सहयोग करना चाहते हैं इस नंबर पर कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि सर हमारे पास तो फोन पे और पेटीएम नहीं है, तो ये बार कोड है, आप इस बार कोड के माध्यम से भी जो जितना आप सहयोग कर सकते हैं करें। अगर इसमें भी दिक्कत है, बार कोड भी नहीं है, पेटीएम और फोन पे भी नहीं है, क्योंकि गूगल पे मेरा बंद है दोस्त इसी आंदोलन की वजह से, ठीक है, ये मेरा नंबर है 612 642 33 600, SBI का अकाउंट नंबर है, IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से, आप इसके माध्यम से भी सहयोग कर सकते हो। मैं फिर कहता हूँ कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, लेकिन हम पीछे कुछ नहीं करेंगे, जयकारे लगाते रहेंगे, वो भी घर बैठे। तीन फेस हैं, पहला नाम मेरे पास भेज दो इस नंबर पे कि सर मैं आऊँगा, ठीक है, आपको सहयोग नहीं करना तो इतना कर लो कि ठीक है सर हम आएंगे, अपने अपने खर्चे पे आएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो आ सकते हैं, लेकिन भैया कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं जो पहले ही टूटे हुए हैं, जिन्हें पहले ही कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं वो लोग, मुझे पता है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा तो भैया फिर क्या भूचाल होगा, वो भी हमें पता है। कितने लोगों पर कैसे बोलते हैं ना, दिलों पर पत्थर पड़ेंगे, हमें वो भी पता है, और इस इंतज़ार में उनका क्या हाल हो रहा है ये भी मुझे पता है। तो लोगों को आने की इच्छा है, लेकिन वो आकर यानी कि आए भी और अपना खर्चा भी चलाए, ऐसे भी बंदे हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने दिल्ली से जयपुर आंदोलन किया था, बच्चे आए थे, उनका खाना पीना जो व्यवस्था थी हमने किया था, और अभी भी हम चाहते हैं कि व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम लंबा धरना और लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, और नहीं तो नाटक ही करना है तो एक दिन का परमिशन लो, एक दिन का धरना दो और फिर टाटा बाय बाय करके घर आ जाओ, उससे सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कहता हूँ जिन लोगों को साथ देना है साथ दें, पिछली बार की तरह नेगेटिव टांग ना फोन खींचे कि भाई रविंद्र फौजी तो करोड़पति हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये तो चुनाव लड़ेगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमें जिस तरह इसने हमारे जवानों को 4 साल की सर्विस और बिना पेंशन 75% को भार करने का आदेश इस सरकार ने किया है, इस आदेश इस सरकार को अग्निवीर जब तक नहीं बनाएगा रविंद्र फौजी तसल्ली से नहीं बैठेगा। लेकिन मेरी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि शुरू में मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों का एग्जाम, ज्वाइनिंग और जो इनके मुद्दे हैं पहले ये हल हो जाए, पहले हम इनको न्याय दिला दें, और अग्निपथ की लड़ाई और अग्निवीर की लड़ाई तो हम BJP के नाक में दम करके लेंगे। जो MP MLA बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी नौकरी है,
जो खुद साथ साथ पेंशन लेने का वो कर रहे हैं, कुछ फौज की पेंशन लेकर रिटायर्ड होकर फौज की भी तनख्वाह और एमपी एमएलए की भी ले रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि 11 लाख में बहुत सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अपने बच्चों को लाओ ना। कोई एमपी एमएलए बोल सकता है कि मेरा बच्चा सेना में सामान्य ड्यूटी कर रहा है, होगा तो भी ऑफिसर्स। हालांकि इस योजना में 80% से ज़्यादा अफसर जो रोज़ फ़ोन भी करते हैं, कहते भी कि आपकी बहुत अच्छी लड़ाई है, हम आपके साथ हैं, लेकिन वो भी कहते ही हैं, बस सहयोग वो भी नहीं करते। कहेंगे हम आएंगे, लेकिन मैंने तो पहले भी 15 दिन का धरना दिया, सब घर बैठे रहे। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपके दिलों में, जैसे पहले आर्मी अफसर थे ना रविंद्र फौज, इसलिए उनको सल्यूट करता है, जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री तक कुश्ती दिखा देते थे अपनी सेना और जवान के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, तिरंगे के लिए। लेकिन आज किसी को तिरंगे की परवाह नहीं, किसी को इस हिंदुस्तान की परवाह नहीं, ना फौज के को और ना जवानों की परवाह, बस अपना रैंक, अपनी तिजोरी, अपने बच्चे और एमपी एमएलए के सपने ये देख रही है आज के अधिकारी। तो उस चीज़ को अगर छोड़ दोगे तो हम इस सरकार को कभी घुटनों पर ला सकते हैं। अगर वो हमारे वो हो अधिकारी, हालांकि बहुत से रिटायर्ड अधिकारी कहते हैं कि हम मजबूर हैं, आ नहीं सकते, अब उनकी क्या मजबूरियां हैं, तो आपकी मजबूरियों के अलावा भी अगर आप सहयोग करो ना, तो बहुत बंदे हैं, बहुत ऐसे देशभक्त हैं जो आज भी भगत सिंह बनकर फांसी पर टकने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज ये ऐसा राज हो चुका है कि यहाँ अगर कोई जान भी दे देने तो सरकार के ऊपर जो नहीं रहती। आज इनको दिखाना पड़ेगा, सर गिनाने पड़ेंगे कि हाँ इतने लोग हैं हम और ये न्याय मांग रहे हैं, और नहीं तो तुम्हें न्याय मंगा देंगे, तुम्हें अग्निवीर बना देंगे। इस तरह की ठोस चीज़ें हमें अवगत करानी होंगी इस सरकार को। और फिर कहता हूँ माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से कि हमें मजबूर ना करें कि हम फिर प्लानिंग करके हमें दिल्ली में बैठें, दिल्ली के वासियों को हम परेशान करें, खुद भी परेशान हों, अपने माँ बापों को भी परेशान करें और दूसरों को परेशान करें, यह हमारा नेचर नहीं है। लेकिन अब मजबूर करोगे, पानी सर से ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम सभी लोग एक बार फिर एक बड़े आंदोलन के रूप में दिल्ली में एंट्री करेंगे और अपना हक मांग कर नहीं छीन कर लेंगे। ठीक है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी मेहनत का फल, ये युवा अपनी मेहनत का फल मांग रहे हैं, और वो जवान जो देश के ऊपर कुर्बान होते हैं उनकी कुर्बानियों को देखे जज साहब। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि जितना डिले हो रहा है ऊपर देख रहा है बैठा, कोई ना कोई भगवान देख रहा है या सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सबकी नज़र है और वो चाह रहे हैं कि कब ये लोग हमारे पास आएँ और जल्दी से जल्दी निर्णय हो। अगर निर्णय देना है जज साहब तो आपका ओपन रास्ता खुला हुआ है, और अगर बहानों से डिले करना है तो फिर आप हमें मजबूर कर रहे हो, तो हम उस मजबूरी को, काफ़ी दिन मजबूरी झेल चुके हैं, अब हम अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बनाएंगे और आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिनको लगता है, मैं फिर कहा हूँ, जिनको लगता है वीडियो रुकना नहीं चाहिए, हर एक युवा तक, हर एक उस जवान तक, पुरुष सैनिक तक पहुँचा दो कि भैया ये लड़ाई लड़ने का वक्त है और अपने घरों से निकल लो। नहीं तो ये ओआरओपी का और ये ड्रामा जो हो रहा है ना, मेहनत कोई करे और मलाई कोई खा रहा है, अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ो तो आपका हक मारा जाएगा, आपके बच्चों का और इस देश का भविष्य। सेना कमज़ोर होगी तो देश का क्या भविष्य होगा? ये भाई साहब समय ऐसी बुरी स्थिति पर आएगा, फिर इन लोगों को आँखें खुलेंगी। जय हिंद।